डॉक्टर साहब कहते हैं बिगनिंग से पता चल जाता है कि ये शख्स क्या करने जा रहा है. माई चाइल्डहुड बहुत बाबा ने मुझे बहुत पहले आपकी वीडियोस दिखाई और हमने सुनी, बड़े हुए हम बेहतर लाखों लोगों ने सुनी. लेकिन आपने बचपन में, आपको लोग कहते थे आप, हाउ वाज डॉक्टर जाकिर नाइक एज अ किड? आप शरारती के थे या यू वर इंट्रोवर्ट या यू रीडिंग, हाउ वर यू? मैं बचपन में माशाल्लाह बहुत शरारती था, काफ़ी शरारत करता था, लेकिन जायज़ शरारत, कुछ जायज़ होते कुछ नाजायज़ होते, जायज़ शरारत था माशाल्लाह. और मैं इंटरेस्टेड था काफ़ी चीज़ में, टेक्नोलॉजी और सब में. और मैं बचपन से अखलाता हूँ. कौन मुझे अगर कहेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम जाकिर है. अखलाता था बचपन से, स्कूल में भी अखलाता था, कॉलेज में भी अखलाता था. शेख अहमद दीदार से मिला, उस टाइम भी अखलाता था. जब दावती मैदान में आया तो पता लगा जब दावा करो मैं अखलाना बंद हो गया मेरा. तो बचपन में कौन कह ही नहीं सकता था कि मैं स्पीच दे पाऊंगा पब्लिक में. तो जब मैं शुरू किया दावती मैदान में, मेरा एक दोस्त था, ईसाई दोस्त था, जब मेरा उनसे बहस होने लगा 1-to-1, तो बोले आप जीत रहे क्योंकि आप अच्छे मुकर्रर हैं. माशाल्लाह. तो उसका नाम विवेक था. मैंने विवेक तुम कह रहे, तुमको अवार्ड मिला पब्लिक स्पीच में, मुझे नहीं मिला, मुझे तो अखलाता हो. तो जो आखिरी उसके पास था, क्या बोल सकते, टूल, लास्ट स्ट्रॉ, ये क्या कि आप डिबेट में आप अच्छे मुकर्रर से जीत रहे. मैंने आप विवेक आपको अवार्ड मिलता है स्कूल में आपको अवार्ड मिलता है, मुझे तो अवार्ड नहीं मिला, आप ये कह रहे. तो उसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साथ है. तो हमें देखना चाहिए कि अल्लाह की रजामंदी हो तो अल्लाह ताला के लिए हकलाना निकालना तो बहुत अहम बात है. राइट. अगेन आई रिवर्ट टू माई फादर्स थिंग. ही सेड कि अहमदीदात की जगह है ये लेंगे, ही इज़ इवन बेटर देन हिम. मेमरी ज़बरदस्त है माशाल्लाह. सो ये अब एक क्वेश्चन है, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, बट डॉक्टर जाकिर नाइक की जगह कौन लेंगे? ओवर द ईयर्स डू यू सी कि ये डिक्लाइन हुआ है दावा, या यू आर होपफुल? मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं शेख दीदार से बेहतर हूँ. माशाल्लाह वो मेरे उस्ताद है, उनने लिखा था दीदार प्लस मेरी हिम्मत अफजाई करने के लिए. उनका बड़प्पन था कि दीदार प्लस लिखा उस वक्त 1994 में. सबसे पहले बार में जब इंडिया के बाहर कोई तकरीर की साउथ अफ्रीका में, और ऑडियंस में वो थे, मैं जुमा खुतबा दे रहा था और वो बैठे, तो और खौफ होता है कि भाई उस्ताद बैठे मैं क्या बात करूं. तो वो तकरीर जब मेरे से, उसके बाद कहा दीदार प्लस 1994 में. तो मैं ये नहीं समझता हूँ मैं बेहतर हूँ. माशाल्लाह उनके जो वसाइल थे, गम थे, अगर देखे जाए तो वो तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता करे. आपका सवाल था कि मेरे बाद कौन. अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला जिसको चुनता है आप छोड़ भी नहीं सकते. तो लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए. अल्लाह ताला का तो निज़ाम है, कोई ना कोई आएगा. तो हमने स्कूल कायम की थी, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, वो क्रेडल टू द ग्रेव तक के है. क्रेडल टू ए लेवल था, फिर हमारा इरादा था ग्रेव तक के करना, कि तालीम दोनों जहाँ के लिए. और कई तुलबा को हम राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3 से लेके ए लेवल तक के इंग्लिश और अरबी पे महारत देते हैं. फिर उनको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते फ्रॉम द एज ऑफ 4 इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग, फ्रॉम द एज ऑफ 6 अरबिक. काफ़ी है माशाल्लाह. उनमें से मेरा बेटा भी एक है. और अगर आप देखे जाएंगे तो जिस तरीके से मेरा बचपन गुजरा और मेरे बेटे फारिक का बचपन गुजरा, अगर आप टेक्निकली देखे जाए तो फारिक की तरबियत मेरे से 10,000 गुनी तो ज़्यादा अच्छी होगी. 10,000. मैं सबसे बार दावत देने लगा एट द एज ऑफ 27. मेरा बेटा तो 8 साल से पब्लिक, मैं पब्लिक लेक्चर दिया 93 में सबसे पहला, 93 में. तकरीबन मेरी उम्र थी 28. मेरा बेटा तो 8 साल से पब्लिक में लेक्चर दे रहा है. मुझे अरबी ज़बान पे महारत नहीं, मेरे बेटे फारिक को है. वो तो माशाल्लाह बचपन से. तो अगर आप देखेंगे ट्रेनिंग वाइज या किस तरीके से तरबियत उसकी हुई, तो मेरे से तकरीबन 10,000 गुना तो ज़्यादा हुई ज़्यादा. लेकिन सफलता पाने के लिए टेक्निक काफ़ी नहीं, वो तो लास्ट में आती है.
सबसे पहले अल्लाह की मदद, गाइडेंस अल्लाह की तरफ से है, गाइडेंस अल्लाह की मदद। कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अल्लाह अगर किसकी मदद करे तो कोई आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह आपको छोड़ देगा तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। या मोमिनो अल्लाह पे ईमान रखो। दूसरी चीज़ है जिहाद, जिद्दोजहद। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करोगे तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा। अगर आपके रास्ते नहीं खुल रहे, आपकी गलती, आप जिहाद बराबर नहीं कर रहे। और आखिरी में आता है टेक्निक, फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7। तो टेक्निक वाइज देखे जाओ तो मेरे बेटे को 10,000 गुना मेरे से ज़्यादा है, ये मैं कह रहा हूँ। राइट राइट। लेकिन अल्लाह की मदद है, अरे जिद्दोजहद भी कर रहे हो, लेकिन अगर कंपेयर करें तो मेरे लेवल तक नहीं, अभी वो नौजवान है, फिर भी वो मेरे से ज़्यादा सोता है, मैं कम सोता हूँ माशाल्लाह। आम लोग से ज़्यादा, तो जिद्दोजहद करो, अल्लाह की मदद जिस दिन आएंगी आ रही है माशाल्लाह, मैंने कहता नहीं, अभी माशाल्लाह कंपेयर करो तो माशाल्लाह काफ़ी लोग वो तकरीर कर रहा है, वो फ्रॉम नर्सरी से लेके टिल ए लेवल्स 12 स्टैंडर्ड तक के उसकी तालीम हुई अंग्रेज़ी और अरबिक में, दो जबान में। ए लेवल के बाद बैचलर्स मास्टर्स, नेक्स्ट अभी 11 साल तक सिर्फ अरबी में। ठीक। सो अब बिकॉज आपका एक्सपर्टीज़ है इन अदर रिलीजन्स ऑल्सो, एंड ऑफ टाइम से मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा कि 60% माइनर मेजर साइंस जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, जो आप बाकी स्क्रिप्चर्स हैं उनके हिसाब से कोई कॉमन साइंस हैं वो सिमिलर हैं, बिकॉज एवरीबडी बिलीव्स एज फार एज आई नो इन एंड ऑफ टाइम्स, लाइक जूश स्क्रिप्चर एंड क्रिश्चन स्क्रिप्चर। जहाँ तक कि मैंने कहा कि जो अलामतें आखिरत की अलामत हैं, द साइंस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसमें माइनर है मेजर है। माइनर में लोग ने मुख्तलिफ में डिवाइड किया, मैंने मेरे फेसबुक पे 87 माइनर साइंस लिखा हूँ। कुछ माइनर साइंस दो तीन को अगर एक पॉइंट होते, कुछ एक को तीन चार करते, तो कोई कहता है 80 है, कोई कहता है 100 है, लेकिन मेजर साइंस सब में 110 है, वो हदीस है। तो माइनर साइंस मैंने कहा 60% से ज़्यादा हो सकता है, 70-80 से ज़्यादा अभी तक के आ चुके हैं। आपका सवाल था कि दिगर मजहब की किताब में भी कोई माइनर साइंस है या कॉमनलिटी है। सबसे अव्वल माइनर साइंस हमारे रिलीजन में है हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर मजहबी किताब को पढ़ेंगे, चाहे हिंदुज़म हो, चाहे जुडाइज़म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे पारसीज़म हो, चाहे सिखिज़म हो, ये सारे जो दीन के बड़े मजाहब हैं